बोकारो के बैरमो प्रखंड अंतर्गत सीसीएल कथारा क्षेत्र के झारंगड़िया खुली खदान परिसर में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सोमवार की पहली पाली में पीट मीटिंग की गई। पीट मीटिंग की अध्यक्षता बालेश्वर गोप तथा संचालन राजकुमार मंडल के द्वारा किया गया। दरअसल इस दौरान जमकर झारंगडीह परियोजना प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस क्रम में बुलंद आवाज में नारेबाजी की गई। मजदूर एकता जिंदाबाद, झारंगडीह खुली खदान में मशीन मंगाना होगा, मजदूरों का स्थानांतरण करना बंद करो, आउटसोर्सिंग पर रोक लगानी होगी इत्यादि। वहीं इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बालेश्वर गोप ने कहा कि झारंगडीह प्रबंधन साजिश कर रही है और साजिश के तहत झारंगडीह कोलियरी को पूर्ण रूप से आउटसोर्सिंग में देने की रणनीति बना रही है, जिसके तहत मजदूरों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसका हम सब संयुक्त मोर्चा के लोग विरोध करते हैं। वहीं राजकुमार मंडल ने कहा कि झारंगडीह कोलियरी को आउटसोर्सिंग होने से बचाने के लिए सभी मजदूरों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। बाल गोविंद मंडल और खागेश्वर रजक ने कहा कि प्रबंधक की मंशा को विफल करने के लिए सभी मजदूरों को संघर्ष करना होगा, तभी झारंगडीह कोलियरी को आउटसोर्सिंग होने से बचा पाएंगे। झारंगडीह से 6 डंपर ऑपरेटरों का दूसरे जगह स्थानांतरण किया गया है। हम समझते हैं कि मैनेजमेंट का ये हठ धर्मिता है। यहाँ जो डिपार्टमेंटल मशीनों का कमी है, वो मशीन उपलब्ध कराना चाहिए मजदूरों को, वो नहीं करा करके कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसका विरोध में आज का पीट मीटिंग हम लोग किए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जो आप पूरी तरह से झारंगडीह माइंस को आउटसोर्सिंग में देने का एक जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको रोका जाए और डिपार्टमेंटल काम हो। यहाँ के मजदूर सक्षम हैं काम करने के लिए, डिपार्टमेंटल मशीन मंगा करके अपना उत्पादन बढ़ाइए, लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इसी मांग को लेकर के आज पीट मीटिंग किए हैं। इस दौरान कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया और प्रबंधन की गलत नीतियों का विरोध किया। मौके पर अंजनी सिंह, अयूब वासुदेव मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।